मलेशिया से खबर शामिल करते हैं, जहां पर BJAFC चर्च के जरिए तमाम सालाना क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद काजन हाई स्कूल स्टेडियम किया गया, जिसमें कैपोंग क्लांग पीजे यूनाइटेड और एम्पेन की टीम ये मैच खेलेगी। ये टूर्नामेंट पास्टर अकरम जान के कैपोंग चर्च की जानिब से हर साल ऑर्गेनाइज करते हैं। टूर्नामेंट का आगाज पास्टर अकरम जान की दवा से किया गया। मैच काजन स्टेडियम में चार टीमों के दरमियान खेला गया, जिसमें एम्पेन की टीम ने पहला इनाम हासिल किया, जबकि पीजे यूनाइटेड की टीम दूसरी, केबोंग की टीम ने तीसरी और क्लांग की टीम ने चौथी पोजीशन हासिल की। मैच के इख्तिताम पर तमाम टीमों में नेशनल न्यूज नामक के डायरेक्टर और सुनो न्यूज के एडिटर डॉक्टर फ्रांसिस सुधाकर और पास्टर अकरम जॉन ने इनामात तकसीम किए। आखिर में तमाम टीमों के कप्तानों ने नेशनल न्यूज नामा से गुफ्तगू करते हुए क्या कहा, जानते हैं। 2023 की तीन सीरीज के हस्बिन चाहे जा चुके हैं, जिसके मुताबिक चौथे नंबर पर आने वाली टीम का नाम क्लैंग किंग्स, इसको ट्रॉफी देंगे पास्टर साहब। तीसरे नंबर पर मैनेजमेंट कैप्टन 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 नंबर पर आने वाली टीम सीधे यूनाइटेड, और इसके बाद विनर टीम अम्पन मैच करवाने के लिए, और बहुत शुक्रिया आपका जो लोग खेलने के लिए आए, और हमारी टीम का भी बहुत शुक्रिया जो बहुत अच्छी खेली, आप सबको। और एक बार फिर मैं जितनी भी टीम यहाँ पर आई है, हमारा सबसे बड़ा जो मकसद है वो है कि हमें एक दूसरे के साथ मिलकर, हमें यहाँ पर इकट्ठे होने का मौका मिलता है, हम एक दूसरे से मिलते हैं। वैसे तो अगर हम देखें तो हम काफी महीने गुजर जाते हैं, साल भी गुजर जाते हैं कि हम एक दूसरे को मिल नहीं पाते। तो ये एक मसीह की मोहब्बत है और ये एक बहुत बड़ी बात है कि इसी तरीके से हम लोग एवेंजेलिज्म करते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं और हम खुदावंद यीशु मसीह के पैगाम को दूसरों तक पहुंचाते हैं। तो मैं आप सबका पास्टर जोशुआ, जो कि हम दोनों ने मिलकर ये प्लान बनाया और सारा अरेंजमेंट किया, हम PJAFC चर्च का भी शुक्रिया अदा करते हैं कि जिनके वसीला से हम लोग साल में दो दो प्रोग्राम करवाते हैं और आज ये हमारा दूसरा प्रोग्राम था। इसी तरह नेक्स्ट ईयर में हम लोग इससे बड़ा प्रोग्राम जो है वो करने की कोशिश करेंगे। तो मैं अप्रिशिएट करता हूँ अपनी पूरी कीपिंग ईगल्स की टीम को और इसी तरह जो पूरी बाकी टीमें हैं उनके भी, उनको भी मैं अप्रिशिएट करता हूँ। हार जीत जो ये जिंदगी के साथ साथ होती है, ये नहीं कि आज पहले हम लोग इतनी दफा जीते हैं और आज अगर हम हार गए हैं तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सब लोगों ने एंजॉय किया, सब लोगों ने बड़ी खुशी के साथ, और कोई भी ऐसी जो है वो बात पैदा नहीं हुई कि जिसकी वजह से पूरा माहौल जो है वो खराब हो, बल्कि सभी जो है बड़ी खुशी के साथ और मुस्कुराते हुए सब लोगों ने जो है मैच खेला है और एंजॉय किया है। और इसी के साथ हम अंकल तमीर का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने इस सारे काम को संभाला, कि जो भी लिखने का काम था सारा उन्होंने संभाला, और इसी तरह हम डॉक्टर फ्रांसिस सुधाकर के भी शुक्रगुजार हैं कि जिन्होंने बड़े अच्छे तरीके से सबको एंजॉय भी करवाया और सारी बातों को अच्छे तरीके से करते रहे, और हम सब लोग जो है हमने बोरियत महसूस नहीं की और कोई भी ऐसी बात नहीं, बल्कि सब लोग अभी तक जो है वो एंजॉय कर रहे हैं। तो हमारी ये दुआ है कि खुदावंद आप सबके साथ हो, अपनी पूरी टीम का जो कि इंतजामिया के तौर पर यहाँ पर आए उन सबका भी शुक्रिया अदा करता हूँ, और इसी तरह अपने सारे उर्दू चर्च कीपों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने वक्त निकाला। और स्पेशली मैं चाहता हूँ कि हमारी जो उर्दू चर्च कीपों के जो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री के इंचार्ज हैं वो सामने आएंगे और वो भी अपने ख्यालात का चंद अल्फाज में इजहार करेंगे। कुरम भट्टी साहब को बुलाऊंगा। लोगों ने मैच अच्छा खेला, मजा आया सबको,
और बातचीत जो है वो गेम का एक हिस्सा है, लेकिन हम एक दूसरे को मिल सके इस मैच के हवाले से और हम लोगों को एक दूसरे का पता लग सका। और मैं उम्मीद करता हूँ कि हम इस तरह के इवेंट्स जो हैं, इस तरह का एक टूर्नामेंट 2024 में भी हमने प्लान किया हुआ है, सो उसके लिए आप सबों को ताकत है और उम्मीद है कि नेक्स्ट टाइम एक इससे भी बड़ा प्रोग्राम करने की कोशिश करेंगे। और आपको अपडेट रखा जाएगा इस हवाले से, ठीक है? ऑलराइट, थैंक यू। किपुंग ईगल्स ने बहुत कोशिश की है, ये तो गेम है कि एक जीतता है और एक हारता है, लेकिन नेक्स्ट टाइम खुदावंद ने चाहे तो मजीद और अच्छी कोशिश करेंगे कि अच्छी परफॉर्मेंस दिखा सके। एक्चुअली ज्यादा प्रैक्टिस ना होने की वजह से आज हम थर्ड नंबर पे आए हैं, नेक्स्ट हम फर्स्ट पे आएंगे खुदावंद के फजल से।